our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as a can. गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल आर्यन एंड अनुपम व्लॉग्स। सो गाइज मैं पहुंच चुका था अपने रूम पे और आपने प्रीवियस वीडियो में तो देखा ही रोड कितने खराब थे और मैं ढंग से शूट कर नहीं पाया क्योंकि यार मैं बहुत पीछे बैठ गया था बस में और बस इतनी फुल थी क्योंकि बस आ ही नहीं रही थी। तीन चार बसें आती हैं जो भी आती हैं वो सारी खराब पड़ी थी और एक ही बस थी वो भी चौपाल तक के लिए और फिर वहाँ से मैंने एक बस और बदली। मैंने मतलब कल के दिन में तीन बसें बदली हैं। चलिए छोड़िए इन बातों को और शुरू करते हैं आज का एक न्यू व्लॉग और न्यू होप और न्यू मॉर्निंग के साथ। आप देख सकते हो कितना अच्छा वेदर है यहाँ पे और पहाड़ों में बर्फ अभी भी चोटियों में है, वो चीज़ आप इस ब्लॉग में आके देखोगे। आज अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ नेरवा और नेरवा में है कुछ काम और दिखाता हूँ आपको नेरवा की कुछ गलियाँ और चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग। सो गाइज आप देख सकते हो आजकल का वेदर यहाँ कितना अच्छा है और हालांकि बहुत सारी चोटियों में बर्फ़ पिघल गई है बट लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा हाइट है वहाँ पे अभी भी बर्फ़ है और जो मेरा ड्यूटी स्टेशन है वहाँ से लगभग थोड़ा ऊपर बर्फ़ है बट यहाँ से मैं दिखा नहीं सकता आपको एग्जैक्टली। और चलिए जब मैं ऊपर जाऊँगा तो आपको दिखा दूँगा। तो गाइज मैं पहुंच गया नेरवा में और यहाँ से लगभग नेरवा शुरू हो गया है और चलिए दिखाते हैं आपको नेरवा की मॉर्निंग कैसे होती है आज। और बढ़िया है तो गाइज ये एक लैंडस्केप व्यू है नियर बाय जो न्यू बस स्टैंड है। यहाँ से न्यू बस स्टैंड तो हालांकि दिख नहीं रहा है बट लेकिन ये उससे नज़दीक ही है और जैसा कि आप देख पा रहे हो डे बाय डे ग्रो हो रहा है नेरवा भी। और सामने देखो अभी नया हॉस्पिटल बना है नेरवा का जो ये लाल छत वाला बड़ा दिख रहा है और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है हर चीज़ में नेरवा। और ये देखो ये कुछ आज का मौसम आसपास का व्यू। रोडों की फैसिलिटीज़ तो अभी भी यहाँ पे उतनी खास नहीं है फिर भी चलिए ठीक ठाक है। और अभी मैं फ़िलहाल हूँ पुराने बस स्टैंड के पास। आजकल नेरवा में ये कैफ़े काफ़ी ट्रेंडिंग पे है और ट्रेंडिंग पे क्यों है क्योंकि एक तो इनका सर्विस काफ़ी अच्छा है हालांकि थोड़ा डिले करते हैं बट फिर भी इनका जो ऑल ओवर फास्ट फूड है वो काफ़ी अच्छा है कंपैरिजन टू यहाँ जितनी भी और सारी दुकानें हैं और जितने भी सारे और कैफ़ेज़ हैं। और यहाँ मैंने अपने यूट्यूब का जो स्टिकर है जो स्टिकी नोट्स होते हैं हर किसी ने अपने अपने स्टिकी नोट्स चिपकाए हैं तो फिर मैंने ट्राई किया यहाँ के मोमोज। वैसे मैंने काफ़ी बार यहाँ के मोमोज ट्राई कर लिए हैं काफ़ी अच्छे हैं इसलिए मैं बार बार हट फिर के इसी कैफेज़ में आता हूँ। और ये देखो जो पीछे स्टिकी नोट्स है
होप जो मेरी वीडियो नेरवा से भी देख रहे होंगे उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ अपना स्टिकी नोट्स यहाँ चिपकाया होगा। सो गाइस अभी मैं नेरवा पे हूँ, अभी यहाँ से बस मिलेगी 1 बजे, तो उस बस में जाऊँगा मैं बीजमल, और आप देख रहे हो मेरे पीछे का वेदर और यहाँ का क्राउड, और चलिए अब सीधा बस में मिलते हैं। हाँ पहुँच रहा हूँ, तो अभी कहाँ पहुँचे हो? अरे तब तक कहीं चलो तब तक। सो गाइज ये जो रोड आ रहा है ये शिमला से आ रहा है और ये यहाँ से जा रहा है उत्तराखंड और त्यूनी और फेडिसपुल गुम्मा रोनहाट शिलाई के लिए रोड, और ये जो कटा ऊपर के लिए ये बीजमल के लिए कटा है, बीजमल जो मेरा ड्यूटी स्टेशन है। और यहाँ देखिए यहाँ से बीजमल है 13 किलोमीटर्स, और ये रोड यहाँ से जाता है इससे होके ऐसे ऐसे होके ऐसे ऐसे होके ऊपर टावर तक, यहाँ तक ये देखो ऊपर टावर तक। तो अभी हमें मिल गई थी ये डीपी सर की गाड़ी, तो अभी मैं इसमें जा रहा हूँ, वैसे तो मैं बस में जा रहा था बट मिल गई गाड़ी तो इसमें ही चलता हूँ अब। तो गाइस डीपी सर ने मुझे केदी पे ड्रॉप कर दिया था और वहाँ से मैं इन भाई साहब के साथ निकल पड़ा आगे की जर्नी के लिए। ये भाई साहब के साथ बात करते करते इन्होंने मुझे भट्टों गाँव में ड्रॉप कर दिया था और वहाँ से आगे मैं बस पर निकल गया। इनके साथ बात करके काफ़ी अच्छा फील हुआ, और ड्यू टू कॉपीराइट की वजह से मैंने म्यूज़िक ओरिजिनल जो साउंड थी वो ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि गाड़ी में गाने लगे थे इसलिए मैंने सोचा कॉपीराइट से बचने के लिए साउंड ऑफ ही रखता हूँ। और फिलहाल एक्साइटमेंट हो रही है कि ऊपर जाके बर्फ़ होगी कि नहीं होगी, ये वो सो सारी चीज़ें ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। फिलहाल अभी तो हम लोग निकल पड़े हैं आगे का सफ़र के लिए और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइज अभी ना मैं भट्टों गांव में पहुंच गया था और यहां तक मैं उन भाई साहब की गाड़ी में आया जो आपने अभी देखा पीछे, और कॉपीराइट की वजह से मैंने उसको ऑडियो जो था ना वो म्यूट कर दिया था और मैंने ओवरवॉइस करके किया था। और फिलहाल छोड़िए और देखिए पीछे का वेदर कितना सही है, और पहाड़ों में देखियो कितने लाउडली मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि कोई भी शोर शराबा नहीं है, नेचुरल साउंड दिखेगी आपको, चिड़ियों की झरने की पेड़ों की चै पै वाली जो साउंड होती ना वो नहीं दिखती है। तो फिलहाल अभी फ्रंट कैमरा से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पीछे की लोकेशन की बर्फ़ कितना है चोटियों में और कहाँ से अभी बस आने वाली है और कहाँ मैं जाने वाला हूँ वो मैं बताता हूँ आपको वीडियो में। तो गाइज ये है फ्रंट कैमरा से कुछ लोकेशन, और ये देखो आप सामने देख सकते हो आप पहाड़ियों पे बर्फ़ थोड़ी थोड़ी है, और वो भी बहुत दूर की पहाड़ी हैं जो है, इतने दूर की पहाड़ियाँ उसमें बर्फ़ है और नज़दीक तो है ही नहीं। अब जो नज़दीकी पहाड़ियाँ ये हैं बहुत दूर की ये पहाड़ियाँ हैं, देखो इसमें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बर्फ़ है, और बीजमल के जो टॉप की पहाड़ी है उसमें भी बर्फ़ है अभी। और यदि टाइम मिला हॉलीडे के दिन तो ज़रूर आपको वहाँ ले जाऊँगा। तो गाइज अभी ना यहाँ से बस आने वाली है और सामने से, और ये है भट्टों गांव, और यहाँ देखो सेब के बगीचे आपको दिखेंगे बट लेकिन इस साइड अभी शेडो हो रही है तो प्रॉपरली दिख नहीं पा रहा है क्योंकि धूप ज़्यादा ही पड़ गई है इसकी इस साइड कुछ। और यहाँ देखो यहाँ से बहुत सही व्यू दिख रहा है और रोड यहाँ से काफ़ी अच्छा है। तो गाइज ये बस आ चुकी है, अब मुझे बस लेने के लिए यहाँ थोड़ा परे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ देखो यहाँ ऊपर के लिए थोड़ी ढलान है यार, पटने के लिए बड़ा मुश्किल होता है ड्राइवरों को। और ये आ गई है बस और मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ पे, और यहाँ से लेता हूँ बस को।
सो होप गाइज आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अब सारे व्लॉग कंटिन्यू मिलेंगे, कंसिस्टेंसी में मिलेंगे, और मिलेंगे सीधा पहाड़ों से।